ਬਿੱਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਨਵਾਂਕੋਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। पंजाब विच आए दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां लगातार बेअदबियां होण दे मामले वधदे जा रहे ने। दोषियों खिलाफ़ ना तो पिछली अकाली दल बादल की सरकार वालों कोई कार्रवाई हुई है ते ना ही मौजूदा कांग्रेस सरकार वालों कोई कार्रवाई की गई। उत्थे ही बेअदबियां दे कई नवे मामले भी सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला अमृतसर के चबार रोड से बाबा जीवन सिंह गुरद्वारा साहब का है, जिथे कुछ लोग जो कि वक्फ बोर्ड के मुलाजम सन इत्थे पुराने मकानां विच रह रहे लोगों तो रिश्वत लैण लई इस इलाके विच आए, जिथे वह नंगे सिर ते बिना जुत्तियां लाहे ही गुरद्वारा बाबा जीवन सिंह दे अंदर दाखिल हो गए, जिस तों बाद संगत ने उन्हां दा डट के विरोध किया। रोस वजों संगतां वल्लों अमृतसर थाणा गेट हकीमा दे बाहर रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। दास बाबा दर्शन सिंह मुखी दशमेश तरना दल मुख हैडक्वाटर गुरद्वारा अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी चबार रोड अमृतसर। आज असी गेट घीमा थाने विखे आ के अपनी जथेबंदी अते लाका निवासी चबार रोड के वासियों के नाल थाना गेट घीमा विखे रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजहरा कर रहे हैं, क्योंकि परसों की गल है कि बिल्ला पटवारी वासी नवाकोट अते उस दे नाल कुछ होर बंदे साडे गुरद्वारा साहब दे विच आए ते आ के उन्होंने ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे बेअदबी करन दी कोशिश कीती आ अते ओ बंदे सारे बिल्ला पटवारी अते उहदे साथी जिहड़े ने इह सारे जोड़ियां पा के जुत्तियां पा के अते नंगे सिर गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर आए अते इन्हां ने आ के बिल्ले पटवारी दे नाल कौन कौन सी कहड़ा महकमा उहने सानू इह अज पता लगा आ कि वो जिहड़ा महकमा आ उहदा दसण दे पुलिस दे दसण मुताबक कि वह जिहड़ा वा वक्फ बोर्ड वाले सी ते पिछे भी तकरीबन दो तीन महीने तो यह सारे इलाके दे विच इन्हां ने वक्फ बोर्ड ने ते बिल्ले पटवारी ने हफड़ा तफड़ी मचाई हुई आ ते जिहड़े लोग 60-60 साल दे बैठे हुए ने उन्हां नूं नजायज़ तौर पर तंग किया जा रहा, उन्हां को रिश्वतां लईआं जा रही, उन्हां को पैसे लिते जा रहे। तो असी पंजाब सरकार को खास करके पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब दे कोलों उप मुख्यमंत्री साडे इलाके दे MLA श्री ओम प्रकाश जी सोनी साहब कोलों सरदार इंदरबीर सिंह जी बुलारिया MLA साहब कोलों अते बाकी सारे प्रशासन CP साहब कोलों वो जिहड़े जदों आए ने उन्होंने आके ते उन्होंने आके ते उन्होंने ये गुरद्वारा साहब के अंदर दाखिल होए ने पर नंगे सिर आए ने जोड़े सिर आए पर साढ़े गुरद्वारा साहब के विच उत्ते कैमरे ना होण करके जिहड़ी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, पर असी कुछ जिहड़ी रिकॉर्डिंग जिहड़ी हैगी आ वो असी कुछ अपने मोबाइल दे विच वो कीती भी आ ते असी प्रशासन कोलों बेनती करदे आ बिल्ला पटवारी अते उहदे साथियां ते पंजाब वक्फ बोर्ड दे उत्ते परचा दर्ज किया जाए ते उन्हां दे उत्ते सख्त तों सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हां नूं जेलां 'च डक्किया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। चबाल रोड ते चबाल अमृतसर रोड ते ना खजाने वाले तो थोड़ा दूर उत्थे गुरद्वारा बाबा जीवन सिंह जी दे हैगे ना दो गुरद्वारा मो सामने सड़े दोनों पास उत्थे वक्फ बोर्ड दे अज अफसर आए सी, उन्हां दा कोई कोर्ट मैटर सी तो उहदे विच शायद पैमाइश करन आए सी जां उह कहिंदे सी असीं GPS दे थ्रू जिहड़ी जगह सी उहदी आइडेंटिफाई करन आए सी, पर उस दौरान ही जिहड़े अफसर सी शायद उत्थे कोई बाउंडरी नहीं सी कि पक्की जगह नहीं सी गुरद्वारा साहब दी ते इस दे विच उह विद शूज़ उह अंदरले पासे चले गए जिथे कि उहनां दा हैगा सी कि इह गुरद्वारा साहब दी हदूद ही आउंदी है, पर उत्थे गुरद्वारा साहब दा कोई बाउंडरी जां कुछ जिथे असीं चरण अपने धो के जाने उधर की कुछ भी नहीं किसी, पर उन्हों का गुरद्वारा साहब वाले का मानना सी
कि इत्थे गुरुद्वारा साहब की ही जगह हैगी है ते उन्हां दीआं भावनावां आहत हुई ने कि तुसीं गुरु घर की मर्यादा नूं भंग करके नंगे सिर बूट समेत तुसीं अंदर आ गए। फिर एस एच ओ साहब ने अज दोवां पार्टियों नूं बुला के ते पैसीफाई करन दी कीती है काफ़ी, ते हुण अज रात दे 10 बजे दे करीब आए ने ते दोवां पार्टियों नूं काफ़ी समझाया गया ते वक्फ बोर्ड वालों भी फिर लिख के दिता गया। अज लिखती उन्होंने अपने लैटर रैड से उन्होंने ईओ साहब महमूद अख्तर साहब ने लिख दिता कि जी गुरद्वारा साहब की जगह से जी 880 कसरा नंबर से 949 के उत्तर गुरद्वारा अपने वक्फ बोर्ड का कोई दखल नहीं रहेगा। वो उस तरह भी मेरे नाल गलबात दौरान भी मनिया कि जी अपनी दूजे धर्म की या कोई भी जगह की उन्होंने पूरा वो मान इज्जत करते हैं कि असी कभी भी साड़ी मंशा नहीं रही कि असी गुरद्वारा साहब का किसी तरीके भी कोई कब्जा लीए, पर बाबा जी या उन्होंने आई संगतान की तसली ली तो उन्होंने कहते सू लिखती चाहिए कि वक्फ बोर्ड लिख के दे कि इस जगह के नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। वो उन्होंने अज लिख दिता तो बाबा जी ने उन्होंने लिखित जो उन्होंने लैटर पेड के हवाले कर दी है जी। तो बाकी जो धरना लगा पीसफुली ओवर हो गया। धरने के दौरान एक गल भी ठीक रही कि धरना उन्होंने फुल नहीं, कुछ पब्लिक का भी ख्याल रखा कि पब्लिक लंघ के जाती भी रही है, बट थाने के गेट से धरना लगा सी इस रूस रूप। ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਬੜੀਆਂ ਚੋਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।